easy. You can see it's really bad, and yeah, meeting was it. Hello, we're going to Diamond Beach. Come. How we go there? The bike. Okay, by the way, hostel mates. Okay. Acha, so the scene is that, yeah, you're pretty good. I'm kind of really bad, hurt, but you know, YOLO, you only live once. So, chalte yaar, kyun nahi? Allah ka naam padte hain. And I'll see you there. Yeah, because I can't film now. My hand is already hurt bad. इस जगह की तो भाई रोड की तो आप बात ही मत करो ना यहाँ। I just look at the view, it's really beautiful. Anyways, I was talking. यार पता है मसला क्या है? इसके जो रोड है ना, वो ऐसे क्या डहरेगा से ऊपर फिर नीचे, like ऐसे 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 like so bad, like zigzag, you know. But thank God, अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई फिर भी पहुँच गया। पर अब ये फिर से नीचे जाने का रास्ता बहुत बुरा है। Like view, it's view के लिए यार सब कुछ किया जा रहा है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, तो ये है डायमंड बीच। आई कैन सी वाइस कॉल्ड डायमंड बीच। ऑफ कोर्स ऐसा हीरा हर जगह नहीं पाया जाता। माशाल्लाह से कुदरत का निज़ाम चेक करो, अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी जगह बनाई है। चलो भाई नीचे जाने की तैयारी शुरू करते हैं। आई होप इसकी सीढ़ियाँ इतनी बुरी नहीं होंगी। चलो भाई, अब सीन ये है कि डायमंड बीच की सीढ़ियाँ जो हैं वो बहुत गंदी हैं, लेकिन उम्मीद है कि क्लिंकिंग बीच इतनी गंदी नहीं होगी। सो या आई एम जस्ट गोइंग स्टिल डाउन फॉर यू गाइस। नीचे सिर्फ मैं आप लोगों के वैसे जा रहा हूँ, इवन तो मेरी चोट भी लगी हुई है, बट आई एम गोना डू इट फॉर यू गाइस एंड फॉर द व्यू एज़ वेल। सो या लेट्स गो। वेलकम टू द अनचार्टेड प्रीमियम वर्जन गाइस। ये गेम या मूवी नहीं है, यहाँ पे हमें सही में रस्सी पकड़ के नीचे जाना पड़ेगा, इतना गंदा ट्रैक है ये। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नीचे पहुँच गए हैं, और उस टाइम मैं गाइस वीडियो नहीं बना सकता था बिकॉज़ इट वाज रियली डेंजरस, और ये वार्निंग का टैग भी आ गया है जिससे हमें डर नहीं लगता। डोंट वरी गाइस, आई गॉट योर बैक, स्टिल आपका भाई आपके लिए वीडियोज बनाएगा। लो भाई, ये फिर से रस्सी पकड़ के नीचे जाना पड़ेगा, कितना गंदा ट्रैक है यार ये। माशाल्लाह से कितनी प्यारी जगह है यार, आई कैंट बिलीव माई आईज। बाय द वे गाइस, जैसे कि आपने वो वार्निंग टैग थोड़ी देर पहले देखा था, वहाँ पे यही बताया हुआ था कि अगर आपने स्विमिंग करनी है या कुछ भी करना है तो आपने अपने ऑन रिस्क पे करना है। लेकिन जब मैं नीचे आया तो यहाँ के लोकल्स ने बताया कि आपको स्विमिंग करना अलाउ नहीं है, क्योंकि आज के दिन जो है वो वेव्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं और डेंजरस हैं, तो इसलिए स्विमिंग करना अलाउ नहीं है। एनीवेज गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मुझे नी पे बहुत गंदी चोट लगी है, तो मैं वैसे ही स्विमिंग नहीं कर सकता था, और ये पानी बहुत नमकीन होता है तो ये मेरी नी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता था। इवन तो गाइज मुझे चोट लगी है, बट स्टिल मैं नीचे आया और मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाई हैं। तो गाइज इस सब के बाद
सब्सक्राइब का बटन तो दबाना जरूर बनता है यार। चलो भाई अब वापस जाने की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि हमने एक और एक बीच पे भी जाना है जिसका नाम उथिया उता बीच है। आई डोंट नो बट एनीवेज लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट। ऑलराइट गाइस, ये मैं आप लोगों को इसका व्यू लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ फ्रॉम द बीच साइड, इसके बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ऊपर से भी दिखाता हूँ फ्रॉम द अबव साइड। ओके सो गाइस, दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द डैमिट बीच। इट्स सो कूल इजन इट। Okay, so guys, this is Uth Beach or Utha Beach or whatever they call it, I don't know, but ab hum log is taraf jayenge. Right, to bhai abhi aapka bhai ja raha hai Utha Beach. Ye bhi takriban suna hai ki same hi hai Diamond Beach jaisa, but the problem is ke yaar rasta bahut ganda hai inke na, beaches pe jane ka rasta bahut hi ganda hai. To kya aap ye check karo, ye to phir bhi chalo theek hai, seedhi seedha ja raha hai. Diamond Beach hai na, wahan pe to main video bhi nahi bana sakta tha, itna wo ganda tha area wo. Matlab ki aap सीधे रस्सी पकड़ के ना आप नीचे जा रहे हो, लाइक रस्सी पकड़ के आप ऊपर आते हो, वैसे ये भी बड़ा काम खराब है। और क्लिंकिंग बीच का तो जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट्स मोर शिटियर देन हियर। या स्टिल आपका भाई दोबारा आप नीचे जाएगा, दोबारा आपको वीडियोस दिखाएगा। डोंट वरी आई गॉट यू बैक। अच्छा तो गाइस, ये भी आपका भाई जो आगे है उता बीच की तरफ, the problem is like जो water है ना वो बहुत dry हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना water नहीं है, पानी काफ़ी आगे चला गया। तो मसला ये है कि आप swim कर नहीं सकते, तो मेरा ये ख्याल है कि जाने का फ़ायदा है नहीं कोई, क्योंकि same thing I guess। क्योंकि guys जो लोग नीचे से आ रहे हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि नीचे जाने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज पानी बहुत आगे चला गया है, तो स्विम हम वैसे नहीं कर सकते और आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा और इसकी सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो इसलिए guys हम नीचे नहीं जा रहे, तो वापस चलते हैं। तो ये था हमारा डायमंड बीच, आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। अब मैं अपने हॉस्टल से चेकआउट करा के दूसरे आइलैंड पर जाऊँगा, जो कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। He's from USA though, but like he understands Punjabi. So yeah, this is crazy. And just checking my bike, and I will see you. All right, so guys, मैंने लूसा बीच से check out कर लिया है। अब जो मैं जा रहा हूँ लूसा लंबोंगन, आपको लूसा लंबोंगन का भी tour कराऊँगा इंशाल्लाह। ये मेरी boat निकलेगी 4:30 पे, इस time फिलहाल 4 बजे हैं, अभी आधा घंटा में wait करना पड़ेगा। ये है कि चलो पानी पूनी दे लेते हैं यहाँ से कहीं ना कहीं। बाकी ये है कि गर्मी बहुत है इधर भाई, बहुत गर्मी है। या आई कैन शो यू अराउंड लूसा लंबोंगन एंड शेनिगन इफ आई हैव टाइम। सो या लेट्स गो।